बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मिक्स दाल पालक के साथ रेसिपी लाई हूँ। ये मारवाड़ी दाल है, तो आपको बहुत पसंद आएगी मारवाड़ी दाल। ये मिक्स दाल में पालक डाल के मैंने बनाई है, तो बहुत टेस्टी होती है खाने में भी। तो चले पहले अज़ा नोट कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक गड्ढी पालक ली है, इसको मैंने काट के रख लिया है। अच्छा, इसमें जो दालें जाएंगी ये पूरी एक पाव दाल है। मूंग की दाल ली है थोड़ी सी, थोड़ी अरहर की दाल ली है, थोड़ी चने की दाल है, थोड़ी माश की दाल है, थोड़ी मसूर की दाल है। तो देखें ये दालें हैं, तो इन दालों को जो है आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखना है। जब ये अच्छे से भीग जाए, आधा घंटा हो जाए, तो इसके बॉयल में जो जाएगा एक चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा, और हमने जो लहसुन है वो चॉप होके जाएगा टुकड़े होके, और हल्दी पाउडर। तो ये डाल के हमने इसको बॉयल होने रखना है। तो जब ये आधी दाल उबल जाए, बॉयल हो जाए दाल, गल जाएगी दाल, तो हमने इसमें फिर जो हमने गड्ढी पालक की काट के रखी है, तो वो हमने इसमें पालक ऐड कर देना है। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल है, इसमें जो है दो बाकी जो कुकिंग ऑयल है हमने जो मसाला भूनेंगे उसमें जाएगा। तो और जो बघार में जाएगा मसाला, वो आप देखें, ये हींग है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टीस्पून ये बघार में जाएगा, और ये तीन रेड चिल्ली लिए मैंने साबित, ये भी बघार में जाएगी, और ज़ीरा जाएगा, और रेड चिल्ली पाउडर और हींग, ये सिर्फ बघार में जाएगा, और ये लहसुन तो हमने इसमें जो हम दाल बॉयल करेंगे उसमें ये कट के जाएगा। अच्छा, जो टमाटर वाला मसाला बनेगा इसके अंदर, जो हम टमाटर पेस्ट का जो मसाला बन के बीच में जाएगा, तो वो आप देखें, ये एक टमाटर लिया मैंने छोटे मीडियम साइज़ का, और एक प्याज लिए, तो प्याज को हमने चॉप कर लेना है, और ये हरी मिर्ची लिए मैंने तेज़ वाली, तीन चार मिर्चें लिए, ये भी टमाटर जब हम भुनाई करेंगे उस टाइम ये जाएगा। अच्छा, जो सूखे मसाले वो देख रहे हैं आप, ये डेढ़ टीस्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर है, जो हमने मसाला जब टमाटर वाला मसाला हम भुनेंगे तो उसमें जाएगा। ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी पाउडर है डेढ़ टीस्पून, ये आधा टीस्पून जो है वो बॉयल में जाएगा, एक टीस्पून जो है वो मसाला भूनने में जाएगा। ये गरम मसाला, ये भी हमने मसाला भूनने में डालना है। ये धनिया पाउडर है हाफ टीस्पून, ये भी मसाला भूनने में जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं पालक वाली मिक्स दाल। तो देखें फ्रेंड, मैंने ये दाल में पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने बॉयल होने के लिए रखना है, तो इसमें मैंने डेढ़ टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल लिया है, और बाकी जो मैंने हल्दी पाउडर इसमें मैंने डाला है, आधा जो है इसमें जाएगा बॉयल होने में, और हाफ जो है वो बाकी जो है मसाला भुनेगा उसमें जाएगा। और ये लहसुन जो मैंने काट के रखे थे तीन, तो ये भी बॉयल में जाएगा। जब ये दाल बॉयल हो जाएगी, जब गलने के करीब आएगी, तो फिर हमने इसमें पालक ऐड करना है। तो चलें अब इसको हम उबलने के लिए रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब ये दाल को मैंने धीमी आंच पे उबलने के लिए रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने दाल उबलने रख दी है, इसके अंदर मैंने एक चम्मच भर के ऑयल डाला है, और हल्दी डाली है 1 टीस्पून, और लहसुन के 2-3 जवे काट के मैंने डाले हैं। तो बस जब इसमें पानी थोड़ा रह जाएगा, तो फिर इसमें हमने पालक ऐड करना है। चलो इंतज़ार करते हैं दाल गलने का। तो देखिए फ्रेंड, ये दाल अब अच्छी सी गल गई है। तो अब इस स्टेज पे आके हमने जो है ये पालक धो के रखी थी, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। तो अभी पालक अच्छे से गल जाएगा, और एकदम ये जैसा दाल लेस वाली दाल हो जाएगी एकदम। फिर उसके बाद हमने इसमें मसाला भून के डालना है। तो चलें अभी पालक भी गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैंने इसका मसाला बनाना है, तो ये ऑयल डालते हैं। ये ऑयल गर्म होगा, उसके साथ ही हमने ये प्याज ऐड करना है, और साथ ही थोड़ी सी हींग साइड में डाल लें।
प्याज को थोड़ी सी लाइट ब्राउन करना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखें फ्रेंड, अभी ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, इसके साथ ही हमने थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, बाकी ऊपर से बघारते ही रखना है और इसमें हमने बाकी मसाले ऐड करना है। देखें ये रेड चिल्ली है, ये हल्दी डाल दी है, ये गरम मसाला चला गया इसमें, इसके साथ ही हमने ये टमाटर ऐड करना है। टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के जो रखी थी वो हमने अच्छे से इसमें भूनना है, और इसके साथ ही हमने जो नमक रखा था वो भी नमक हमने ऐड कर दिया है। अब सर टमाटर के गलने का इंतज़ार करते हैं और अच्छे से भुनाई करेंगे इसके बाद। तो देखो फ्रेंड, इसमें जो धनिया पाउडर रह गया था वो भी हमने इसमें ऐड करना है और फिर हल्की आँच पे इसको अच्छे से हमने भूनना है। जब ये भून जाएगा तो इसको जो हमने दाल और पालक जो हमने बॉयल होने रखी हुई उसमें इसको ऐड करना है। तो देखें फ्रेंड, ये अब अच्छी सी टमाटर पे भुनाई हो रही है और ये जो हरी मिर्च हमने डाली थी इसी को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना, तोड़ देना है। टमाटर भी देखें अच्छे से घुल गए इसमें, बस थोड़ी सी और भुनाई करके फिर मैंने इसमें दाल में ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये दाल हमारी अच्छी सी पक गई है। अब जो हमने मसाला भुना था वो हमने इसमें ऐड करना है और मसाला ऐड करके इसको हल्की आँच पर छोड़ना है ताकि जो मसाला है उसकी खुशबू अच्छे से दाल के अंदर बस जाए। तो चलें अभी हम इसमें मसाला ऐड करते हैं जो बनाया था ना हमने, इसमें डालने सारा मसाला ऐड करना है। और फिर इसको हमने धीमी आंच पे छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मसाला इसमें जस्ट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने जो एंड का जो बघार मैंने बताया था, मिर्चें, ज़ीरा और अपना लाल साबित मिर्च, उसका बघार मुझे एंड में लगाना है। ठीक है, तो चले हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। तो देखें फ्रेंड, ये अच्छी सी दाल हमारी गल गई, पक गई है। जो मसाला मैंने डाला था वो अच्छे से इसमें बच गया है। तो अब हमने इसको ऊपर से बघार लगाना है, जो हमने रेड मिर्चें, सीवी और साबित मिर्चें, लहसुन, अदरक लहसुन का ऊपर से हमने बघार डालना है इसमें। तो चलें बघार बनाते हैं इसका। तो देखिए फ्रेंड, ये हमें बघार के लिए तड़का जो है वो रेडी करना है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है, अब इसी के अंदर मैंने अदरक लहसुन डालना है। तो देखें फ्रेंड, ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया, इसको अच्छा सा ब्राउन करके थोड़ा, फिर इसके अंदर हमने बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसके साथ ये मैंने मिर्चा डाल दी है जो मैंने बघार के लिए रखी थी। और साथ ही ये ज़ीरा भी हमने ऐड कर दिया है। और ये रेड चिली, इसको अच्छे से मिक्स करके हमने दाल में तड़का लगाना है। तो देखें फ्रेंड, ये इसका हमने तड़का लगा दिया, अब इसको हमने कवर कर देना है। तो देखें फ्रेंड, ये दाल, मिक्स दाल और पालक रेडी है। तो आप बनाइएगा मेरे स्टाइल से, बहुत आपको पसंद आएगी। और इसके साथ मैंने रखा है ये ज़ीरे वाले चावल, राइस है बनाए मैंने, और इसके साथ ये नींबू वाली प्याज और अचार है। तो आप इस तरह बनाएं और खाएं, एंजॉय करें, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपने आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी अभी तक जो मैंने आपको रेसिपीज़ दी हैं, आपने मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद की है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी, मिक्स दाल पालक, बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए,
और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी अजीज़ और करीब रिश्तेदार हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी जितनी भी रेसिपी आपने पसंद की। अस्सलाम वालेकुम।